देख पाँचवें छठेगा तो अपना 20 नंबर आ गया, लेकिन सातवें आठवां 50 का था और ये रह गया। अगर थोड़ा सा बता देता तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब तो सुनिए, राम लोचन आते हैं। हाँ, कोई बुला रहा है आपको। लेकिन अब गांव में ही रहने की सोची है उन्होंने, अब लखनऊ आना नहीं होगा उनका। ये खत उन्हें मेरी तरफ से दे दीजिएगा। देखिए कुछ बातें हैं जो मैं उनसे कह नहीं सकी, मैं दोबारा नहीं कहूंगी आपसे, ना मत कहिएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको उनका पता दे देता हूँ। पता है मेरे पास, पर मेरे खत उन तक पहुँचे ही नहीं। देखिए इस तरह मिलना तो अच्छा नहीं लग रहा है, यू यूनिवर्सिटी में आपसे। नहीं माफ कीजिए, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। रामलोचन, जाओ। आप तो कोर्ट कचहरी की बातों को गुलाब जामुन समझते हैं कि उठाओ और गप से खा लो। आपके पिताजी को फैजाबाद की हवेली राजा पृथ्वीपाल सिंह ने किसी जज के सामने नहीं दी थी। अब जिस बात की कोई लिखा पढ़ी ही नहीं हमारे पास, उसे हम सही साबित कैसे करें? देखो वकालत हमने भी पढ़ी है, दूसरे का मकान कैसे हथियाया जाए इसके बहुत तरीके लिखे हैं कानून की किताब में, और मुकदमा मुकदमा जीतना तो आपकी आदत ही नहीं है, कम से कम मशवरा तो अच्छा दिया करो। अब देखो ये बाबूजी की इज्जत का सवाल है, अभी आके चाटू गाली सुनाएंगे ना तो गधेड़े के पानी की तरह आइडिया निकलेगा दिमाग से। आइडिया निकलेंगे कहाँ से दिमाग में, जब गला सूखा हो और जेब खाली हो तो ऐसे में कभी कोई आइडिया निकलते हैं? बताइए। अब निकल रहे हैं असली सुर आपके गले से, 2-3 दिन बाद आइएगा कुछ इंतजाम कर देंगे। और सुनिए, आप सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डालने की तैयारी शुरू कर दीजिए, बताए दे रहा हूं। अब जाइए यहां से, माथा तपा दिया एकदम ससुरा, जाइए बाद में बात करेंगे। कुछ नहीं, रोता रहता है, आदत है ससुरे की। हमको लगता है कभी कभी हम बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, दिमाग एकदम टन टन बोलने लगता है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कभी कभी थोड़ी बहुत ले लेनी चाहिए। कब है छोटे, चलें बाजार का चक्कर लगा के आते हैं, फिर बैठ के जमाते हैं 2-3 ठो। छोटा छोटा पैसा तो होगा तेरे पास? जहर खाने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। ये नोटिस मिल गया है कॉलेज से, अगर हफ्ते भर में फीस नहीं जमा की ना तो कॉलेज से बाहर निकाल देंगे, गांव में बैठकर पिएंगे फिर आराम से कच्ची। अरे परेशान क्यों होता है, बाबूजी ने कहलवाया है अनुज के हाथ से 20,000 रुपये भिजवा रहे हैं, कल तक पहुंच जाएगा। अब बोल बिल्कुल खाली है क्या? नहीं है, 10-12 रुपये। कन्हैया लाल और कल्याण की हत्या के जुर्म में तुम्हें 10 साल की सजा हुई, आज 23 अप्रैल 1957 को तुम्हें रिहा किया जाता है। अरे गाड़ी आ गई, बारात आ गई मुन्ने राजा की, आजा सब लोग। Thank you.
देखो भाई देखो कौन आया है, देखो नहार देख रहा है अपने पोते की बहू को। लक्ष्मी आई है लक्ष्मी। नेताजी जिंदाबाद। बेटा ये तुम्हारे दादा है, इनके पैर छू। हमें पहचाना? हाँ मैं तो आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आखिरी बार हम मिले थे 14 अगस्त 1947 याद आया ना दादा? अब तारीख किसे याद रहती है बेटा। हाँ ठीक कहा आपने, ठीक कहा। जो लोग तारीख को इतिहास बना दें उन्हें तारीखें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों को शायद पता नहीं, मैं आपको बता दूं, हमारे गांव का एक साधारण सा किसान, एक साधारण किसान किस बहादुरी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहा सालों साल, सालों साल। और वो महान क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी आज हमारे बीच है। आप सब, हम सब, हम सब इनके कर्जदार हैं। क्या करते हैं जी, यहाँ भी भाषण करना शुरू कर दिया। ये कोई भाषण थोड़ी है। नहीं सही कह रही है। चलो आज याद आए तुम्हारे दद्दा को। हाँ कहाँ थे इतने दिन, कैसे शुभ मौके पर आए, और वही पुरानी आदत, खाली हाथ चले आए। चलो अंदर चलो। कृपा शंकर जी साहब, ये गांव के चौराहे को दद्दा का नाम दे दिया जाए। हाँ ठीक है जरूर। और बच्चों के किताबों में इनकी जीवनी छपनी चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ आई समझ गए ना जी साहब। क्या कर रही हो, लोग बाग देखेंगे तो क्या कहेंगे। आज ही लड़की घर आई और आज ही काम पे लगा दिया उसे। ऐसे मत कहिए दादा, आज नहीं तो कल मुझे यहाँ काम करना ही है। अब हम तो जिंदगी भर अकेले रहे हैं, इसलिए हमें आदत नहीं किसी और से काम कराने की। तो अब डाल लीजिए। वैसे दादा आपने तो इन्हें बचपन से देखा होगा ना। किन्हें? इन्हें। इन्हें किन्हें? अरे इन्हें दादा। अरे इसे क्या है, इसके बाप को देखा है, दोनों को नंगा खेलते हुए देखा है मैंने, चड्डी पहनना तक मैंने सिखाया। कैसे से हैं ये दद्दा? मेरा मतलब है इनका मिजाज, इनकी पसंद नापसंद। भोला है बच्चा, एकदम बच्चा है। बाहर से जरूर लगता है कि कड़क है, गुस्सेल है, लेकिन अंदर से तो एकदम हिरण का बच्चा है। माँ और पिताजी तो मुझे एकदम सीधे और सरल से लगे, कोई कहेगा ही नहीं कि वो राठौड़ हैं। बहू आप लोग तो यहाँ बहुत पहले से रहते आए ना। नहीं मैंने तो यूं ही पूछ लिया, अपने घर वालों के बारे में पता होना चाहिए ना। बहू यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जबर को उठाओ, बहुत देर हो गई। जितनी चिंता तुम्हें है जबर की खुशी की, उतनी चिंता हमें भी है। हमने ऐसी बात कोई नहीं कही जिसकी वजह से जबर की जिंदगी में कोई जिगर खोले। रामानुज जी का यही घर है। आप क्यों दीदी,
आ जाओ मिल गए। अरे राजा साहब कहाँ है, निकालो राजा साहब को बाहर। आज तो मैं तुम्हारी इज्जत इस चौराहे पे नीलाम ना करके गई तो मेरा नाम कभी ना भाई नहीं। ये पागल है, ये क्या पगला है, ये क्या, कौन है तू? अरे तू कौन है रे, उसका बाप? ए क्या हुआ? रुक लो चंदू, हम उसके बड़े भाई हैं, क्या बात है? अरे तेरा भाई मेरी छोकरी को लेके भाग गया। अरे हमारा भाई तो इस शहर में भी नहीं है, जरूर तेरी बेटी। मेरी बेटी चिट्ठी छोड़ कर गई है, उसमें सब लिखा है, ये तुम सबकी मिली भगत है। ए भाई जी बात बोल चुकी, चुपचाप चली जाओ नहीं तो मान हानि का दावा कर दूंगा। जिंदगी भर काले कोट वालों के पीछे बस इसलिए घूमती रहोगी, समझी? अरे तेरे काले कोट वाले मेरे ठेंगे पे, उनको तो मैं आंटी में लिए घूमती हूँ। माताजी देखो इस तरह चीखना चिल्लाना ठीक नहीं है, जैसे ही भैया की खबर मिलेगी सबसे पहले आपको बताऊंगा, फिलहाल तो आप ठीक है। मिया माफी मांग रहे हो तो 3 दिन का समय दे देती हूँ, और अगर 3 दिन में मेरी बेटी घर पे नहीं पहुँची तो ये चमेली जान रोज तुम्हारी मट्टी पलीत करने के लिए तुम्हारे दरवाजे पे आ जाया करेगी। अरे ओ चमेली रोज आ जाइए और इनकी मट्टी पलीत करने इनके दरवाजे पे चल। भैया इसकी लड़की तो गई है, अपने 20,000 भी पार कर गए भैया, कच्ची भी नहीं मिलेगी पीने को। इतनी जल्दी उड़ गई है? अरे सो जाओ सो जाओ, ऐसी नींद तुम्हें लखनऊ में कभी नहीं आएगी, सो जाओ। सुनिए वो जो बूढ़े से आए थे यहाँ, वो आपके क्या लगते हैं? पता नहीं क्या लगते, मुझे तो यहीं आके पता चला कि वो मेरे रिश्तेदार हैं। अरे पप्पा ने बताया था दादाजी के दोस्त हैं, यही रहते थे पहले। तो वो जेल वाली बात? अरे आजादी से पहले वो मिले थे मुझे जेल में, लेकिन बस एक बार। अब सोने दो मुझे, कोई सवाल मत करना। आप तो बहुत रहे होंगे ना उनके साथ बचपन में। मेरे होश संभालने से पहले वो यहां से चले गए थे, ऐसे लोगों का ठिकाना थोड़ी होता है। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं है, सोने दो मुझे। मुझे तो वो बहुत अच्छे लगे, एकदम शांत स्वभाव के, स्नेही एकदम, आप लोगों से एकदम अलग। देखो अच्छी तरह बांध देना रस्सी से, देख लेना। अब जाने का समय हो गया, अपना ख्याल रखना। सुनिए जी सर यहाँ तो आइए। एक चीज मांगूंगी, आप मना तो नहीं कीजिएगा? अब अगर चीज जायज होगी तो मना क्यों करेंगे हम? धीरे बोलिए। अच्छा बोलो। कनीसी दद्दा जी को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते क्या? अब ये क्या? देखिए उन्होंने आपके दादाजी की बहुत सेवा की है, आप उनकी जरूरत यहाँ किसी को भी नहीं है। अब तुम ये क्या मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, आपके पेशे में एक करीबी वफादार का होना बहुत जरूरी है। कुछ मसले ऐसे होंगे जिन्हें मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। सामान गिन कर रखा ना सब बक्से रख दिया। गणेश चाचा एक बात करनी है तुमसे, बुरा मत मानिएगा। देखो तुम यहाँ से जा रहे हो इस बात की खुशी है हमें, और जबर की देखभाल भी अच्छी करोगे ये भी पता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा गणेश चाचा, जबर अपने दादा नाहर सिंह जैसा डकैत नहीं है जो राय बहादुरी छीन ली और किसी नाचने वाली से ब्याह करके परिवार सजा लिया। वो देश का नेता है और उसकी इज्जत हमेशा बनी रहे, हमारे परिवार का खोट उस पर कभी ना आए, इसलिए उसे हमेशा अपने से दूर रखा है। तुम उन बीती
मेरी बातों को कभी दोहराओगे नहीं, कसम दो हमें। चलिए समय हो गया है, चलिए चलिए जल्दी। गणेश जी चाचा कसम दो। चामा कुएं में फेंकवा दूंगा सबको, कुएं में। गांव के सुअरों के लिए, सुअरों के लिए बनी है चाय नालक। ये क्या है? फिल्मों का व्यापार चल पड़ा है आजकल, नाटक नौटंकी की खबर बन रहे हैं। अरे चाय का क्या हुआ ए रामेश्वर? नेहरू जी फूलपुर से चुनाव जीत गए। एक फूल नहीं फला आज तक। सड़े हुए बाबूजी प्रणाम। यहां क्या कर रहे हो तुम दोनों? प्लेग फैल गया है क्या लखनऊ में? मैंने पढ़ा था नेहरू जी की फोटो छपी है, फूलपुर से चुनाव जीत गए। इम्तिहान खत्म हो गए तुम्हारे? आज शाम को चला जाऊंगा। नहीं अभी जाओ, तफरी का बहाना चाहिए। गाड़ी उठाई और हवा से बातें करने लगे। निकलो यहां से। बाबूजी हमें जरूरी बात करनी है आपसे। नहीं तुम अच्छी बात नहीं करते, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बातें। अच्छी बात करते तो बाबूजी वो अनुज भैया रशीदा नाम की लड़की के साथ भाग गए हैं। आपने अनुज को 20,000 रुपए दिए थे, हमें नहीं मिले वो। कहा था ना तो अच्छी बात नहीं करते। सरस्वती की पूजा की होती तुमने तो? पूजा मन नहीं लगता। फिर सो गए। चल उचन अम्मा से तू ही बात करना। मैं क्या बात करूंगा? अरे चल ना कुछ करना। हाँ भैया।